प्रदेश में कोरोना की लहर जारी है, जिसको देखते हुए 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार ने जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, जिसमें डॉक्टर, मेडिकल, किराना, दूध डेयरी और गलियों में हाट ठेलों पर घूमकर सब्जी बेचना जैसी व्यवस्था जारी है। इसके बाद भी लोग कोरोना को हल्के में लेकर अनावश्यक बिना मास्क के घरों से बाहर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए गोगांव प्रशासन सख्त हुआ और बिना मास्क घूमने वालों के विरुद्ध सख्ती के साथ चालानी कार्यवाही की जा रही है, जो प्रतिदिन जारी है। वहीं गोगांव थाना प्रभारी महेश सुनैया ने हमारे संवाददाता को बताया कि नगर में बिना मास्क घूमने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। इसके साथ ही अनावश्यक वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही शनिवार को 3 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 की कार्यवाही भी की गई। थाना प्रभारी ने नगर वासियों से आग्रह किया है कि अनावश्यक घरों से बाहर न निकले, मास्क का उपयोग करें। चालानी कार्यवाही के समय गोगांव तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार, थाना प्रभारी महेश सुनैया, पंचायत सचिव एवं गोगांव थाने का बल मौजूद था। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। आज कोविड-19 की कोरोना महामारी के अंतर्गत जो है, जिलाधीश महोदय की तरफ से आदेश है सख्ती से पालन कराने के, तहसीलदार महोदय के साथ मिलकर आज हमारे यहाँ बिना मास्क के 47 चालक बनाए गए हैं। 2050 साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई में बिना कारण से घूमने वाले के खिलाफ 37 चालान बनाए गए हैं, जिसमें 10,000 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया है। एवं जो है 3 क्षेत्र में 2 बजे के बाद 3 दुकान कराने की कंप्लीट पाई गई थी, जिनके खिलाफ धारा 188 IPC के तहत कार्रवाई की गई है। और अब निरंतर लोगों को बताया जा रहा है कि मास्क लगा के और जरूरी हो तभी घर से निकलें और सहयोग करें सभी, ये अपेक्षा रखते हैं। सर आपका महेश सुनैया, थाना प्रभारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।